हेलो दोस्तों, आज फिर हम लोग बनाएंगे नाव एवं धारा से रिलेटेड प्रश्न, यानी कि बोट एंड स्ट्रीम का ही आज का भी वीडियो इसी से रिलेटेड रहेगा। लेकिन इससे पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, तो सारा का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दे दिए हैं, वहाँ से जाकर पार्ट बाय पार्ट आप देख लें तो आपका नाव धारा से रिलेटेड सारा क्वेश्चन आसान लगने लगेगा, ठीक है। लेकिन आज का जो हम लोग का लेवल होगा तो सबसे टफ लेवल होगा, ठीक है। लेकिन टफ लेवल कुछ नहीं है, जब पहले से आप मैथ पढ़ते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो ईजी ही आपको लगेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग उसी तरीका से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग बेसिक जो बचपन से पढ़ते आए, 9th 10th में भी जो आप पढ़े थे, उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उसके बाद आज का भी क्वेश्चन हम लोग भाई ऑप्शन ही बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप चलिए प्रश्न के ऊपर, और यहाँ देखिए आप सबसे पहले इस प्रश्न को देखिए। एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल यानी अपोजिट डायरेक्शन में तथा 18 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करती है, ठीक है। एक कंडीशन ही है, सेकेंड कंडीशन बोला है, जबकि यह 6.12 घंटा यानी 1/2 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल वही अपोजिट तथा 24 किलोमीटर धारा की दिशा में तय करती है, तो नाव एवं धारा की गति ज्ञात करें। दोनों का गति ज्ञात आपको करना है, गति यानी स्पीड। आसानी से सबसे पहले आप समझते चलिए, तो बोला है कितना किलोमीटर दिया गया है, 12 किलोमीटर। तो 12 किलोमीटर किधर दूरी हो गया, और प्रतिकूल बोला है, ठीक है, धारा का और किसका, नाव का, दोनों का स्पीड नहीं दिया गया, तो प्रतिकूल यानी कि अपोजिट। तो धारा का क्या हम लोग नाव के लेते हैं एक्स, और धारा का क्या लेते हैं वाई, और प्रतिकूल बोलता है तो क्या कर लेते हैं हम लोग, माइनस, ठीक है। आगे इसी में अगर पढ़ते हैं तो 18 किलोमीटर क्या बोला है, धारा की दिशा में, तो एक्स प्लस वाई कर लेना है, और एक्स प्लस वाई कीजिएगा तो इसका टाइम कितना लग जा रहा है दोनों को जाने और आने में, तो 3 घंटा, ठीक है। आगे एक कंडीशन तो ई आपका हो गया। देखिए आगे, फिर देखिए सेकेंड कंडीशन में, जबकि यह 6.12 घंटे में 36 किलोमीटर दूरी किधर जाता है, तो 36 किलोमीटर दूरी धारा के प्रतिकूल वही है, तो ले लीजिए 36, और नीचे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, बारीकी से समझते चलिए। और 24 किलोमीटर क्या है, धारा की दिशा में, तो ले लेना है एक्स प्लस वाई, ये आप जान रहे होंगे। अगर पार्ट 4 भी देखें तो इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन वहाँ बनाएं, और कितना है 6.1/2, तक कितना हो जाएगा 12 और 1 13 13/2 कितना लिखिएगा 2। अब आसानी से देखिए, सबसे पहले कोई एक का कैंसिल आउट आप कर दीजिए, तो कैंसिल आउट करने के लिए कोई भी एक इक्वेशन के अगर इक्वल कीजिएगा तो सिर्फ किसमें, अगर इसमें भी अगर आप गुणा कर देते हैं कितना से, 3 से, समझते चलना है, इसमें भी अगर आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो यहाँ भी 36 चलाएगा और एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ये सोचना है, आप बचपन से भी जान रहे हैं, इसमें छोड़ दीजिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर इसमें अगर करते हैं तो यहाँ देखिए कितना चलाएगा, 12 3 36, ठीक है, और इसमें बटा में कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, प्लस ले लीजिए, इसमें भी 3 से इंटू करते हैं तो 18 3 कितना हो जाएगा, 54, और नीचे में कितना हो जाएगा, बटा में, तो एक्स प्लस वाई, और इसमें भी अगर इनटू कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 3 3 9, ठीक है। अब इसको लिख लेना है यहाँ पे, समझने के लिए हम इतना लॉन्ग चल रहे हैं ना, तो बाई ऑप्शन ही बनाएंगे, सेकेंडों में बन जाएगा। तो एक्स माइनस वाई प्लस लिखिएगा कितना है, 24, और एक्स प्लस वाई, समझते चलना है, और इसको दे दिया है कितना समय, तो 13/2। अब देखिए इसमें से क्या करना है, समीकरण ही मान लेते हैं कि चलाएगा आपका 3, तो 3 है इसको 2, तो 3 में से 2 के आप क्या करना है, माइनस कर देना है, कहे कि इसको इक्वेशन ले लीजिए 3, और ई क्या है, क्या था हम लोग का, 2 ही था, तो इसमें से क्या, इसको क्या है, 2 ही है, दूसरा ही समीकरण हम लोग का है, ठीक है, इस तरह से 2 ही लिख देते हैं। अब देखिए तो इसमें से क्या करना है, आपको माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है 3 में से किसको, 2 को, तो इस तरह से आप जानते होंगे कि आप करते होंगे बचपन से, तो इससे इसका ही क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, होगा कि नहीं, आप जाने ये प्लस में है, ये माइनस में, दोनों कैंसिल आउट, ये माइनस है ऊपर क्या है, प्लस, तो इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, तो 54 में से अगर 24 के अगर माइनस करते हैं तो कितना चलाएगा, 30, और बटा में कितना चलाएगा, एक्स प्लस वाई,
ठीक है, समझते चलना है बारीकी से, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको आप क्या कर सकते हैं, तो इसको लिखते कितना, नाइन, नाइन में से कितना 13 बटा कितना का लिखते, 2, ठीक है, तो कितना हो जाता, 9 दूना 18, और 18 में से कितना माइनस हो जाता, 13, तो कितना बचता, 5, तो 5 बटा कितना हो जाएगा, 2। इस तरीका से लिख लीजिए 5 बटा 2। अब देखिए 5 बटा 2 है, तो इससे इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं, कितना बार में, 6 बार में हो जाएगा ना, 6 5 35। अब इंटू कर दीजिएगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दूना कितना हो जाता है, 12। यानी इसको लिख सकते थे एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 दूना कितना हो गया, 12, ठीक है, 6 दूना कितना, 12। यानी चला है इसका वैल्यू, एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, 12, समझना है। अब एक्स प्लस वाई का वैल्यू कोई भी इक्वेशन 1 में रख दीजिए या 2 में रख दीजिए, कोई में रख सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई का अगर वैल्यू हम कितना है, 12, तो यहाँ हम लोग रख लेते हैं इक्वेशन 1 में वैल्यू, तो इक्वेशन 1 में अगर वैल्यू रखते हैं तो देखिए कितना हो जाएगा, 12, एक्स माइनस वाई प्लस कर दीजिए, तो 12 रखिएगा तो 18 बटा कितना हो जाएगा, 12। हम इतना समझाने के लिए लिख रहे हैं, तो 6 से अगर कैंसिल आउट करते हैं तो 3 बार में 2 बार में इक्वल टू कितना है, 3। इस तरह से इसको ही अगर लेके इस तरफ अगर चल जाते हैं तो कितना हो जाता, 3, और 3 बाई कितना हो जाएगा, 2। समझने के लिए, तो 3 दूना 6, और 6 में से कितना माइनस कर दीजिएगा, 3, तो कितना चला जाएगा, 3 बटा 2। यानी कि यहाँ हम लोग डायरेक्ट इस तरीका से इतना लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं आपको, इतना के अगर लिखते हैं तो चला जाएगा कितना, 3 बटा 2। अब देखिए इससे इसको अगर कैंसिल आउट कर दीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बार में, ऊपर ऊपर कैंसिल करते हैं। इससे इसको अगर इंटू कर दीजिएगा तो एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। यानी कितना चला है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक आप समझ गए हैं, दोनों का एक्स माइनस वाई कितना चला है, 8, और एक्स प्लस वाई कितना है, 12। थोड़ा लॉन्ग है इसलिए बारीकी से समझना है, इसीलिए बोले कि एडवांस लेवल है। अब आपको निकालना जो है तो किसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकालना है एक्स और वाई का। तो जब एक्स के वैल्यू निकालना है तो बोले थे कि दोनों के जोड़ लेना है 8, एक्स माइनस वाई का और एक्स प्लस क्या, वाई का। तो 8 और कितना, 12 जोड़ दीजिएगा, तो 8 और 12 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 20, और 20 में अगर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 10। ये फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता दिया गया है, तो कितना चला है, एक्स का वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई की अगर निकालना है तो कि क्या करते हैं लोग, माइनस, तो 8 और 12 में से कितना माइनस कर दीजिएगा, 8, तो कितना चलाएगा, 4, और 4 में अगर 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी एक्स और वाई का जो वैल्यू हम लोग के आएगा तो कितना आया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ए, यानी कि नाव का गति क्या है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना लंबा कभी भी पेपर में अगर आया है क्वेश्चन तब बनाना नहीं है, ये हम कॉन्सेप्ट के लिए डिस्कस किए कि इस तरीका से बना लें, ठीक है। अब डायरेक्ट आप क्या बनाइएगा, तो इसको भाई ऑप्शन आप बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ तक आप समझ गए हैं, बहुत धीरे धीरे ही भी बताएं कि कोई भी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए, तो भाई ऑप्शन कैसे बनाना है वो भी आप समझ अब गए होंगे कि सबके क्या करना है, वैल्यू आपको पुट करके बना लेना है। तो वैल्यू किस तरीका से पुट कीजिएगा, तो देखिए यहाँ सबसे पहले क्या है, 10 है और उसके बाद 2 है। तो अब देखिए यहाँ समझिए, लाना होगा LHS और RHS दोनों के इक्वल करते हैं, तो देखिए कितना है, 10 है, तो 10 में से 2 माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा, 10 में से 2 माइनस कीजिएगा तो चलाएगा कितना, 8, तो 12 बटा 8, ठीक है, प्लस कर ली। यहाँ दोनों के क्या जोड़िएगा, 10 और 2 12 जोड़ देना है हम लोग, क्या आया है, सो इसलिए कि डायरेक्ट हम लोग भाई ऑप्शन कर रहे हैं, तो 10 और 2 12 तो 18 बटा कितना आप लिख लीजिएगा, 12। इस तरीका से आप कैंसिल भी आउट कर लीजिए, तो कैंसिल आउट अगर करते हैं तो 4 से करते हैं तो ऊपर 3 नीचे 2, 6 से करते हैं तो 3 और 2, तो इस तरीका से कितना हो गया, 3 बटा 2, और इसमें भी कितना हो जाएगा, 3 बटा 2। LCM लीजिएगा 2, तो कितना हो जाएगा, 3, ए भी 3, तो 3 दूना कितना हो गया, 6, यानी कितना चलाएगा, 3 घंटा। यानी दोनों तरफ, इस तरफ भी था 3 घंटा और इस तरफ भी था कितना, 3 घंटा।
वैसे भी आप जान रहे हैं कि दूरी है और नीचे चाल समय होता है, ये भी दूरी है, ये भी क्या है चाल है समय होता है, टोटल टाइम 3 घंटा। इसमें भी वैल्यू पुट करके आप बना सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में भी, दोनों में कोई भी अगर दोनों में कोई एक रख के चेक कर दीजिए, जो आंसर आएगा वही लगभग चाल आता है। अगर आपको इसमें भी चेक करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ 10 में से 8 माइनस कर दीजिएगा तो 8, ठीक है, तो 36/8 कितना हो जाएगा 8। उसी तरीका से यहाँ 24 है तो 24 यहाँ नीचे में कितना चलाएगा 12, और यहाँ कितना चलाना चाहिए 13/2 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैंसिल आउट करके दोनों तरफ आप चेक कर लीजिएगा खुद भी, इतना आप खुद करके बताइएगा, कमेंट करके भी बताइएगा कि आया या नहीं आया। आ जाएगा तो यहाँ बता देना है कि दोनों इक्वेशन में आ गया। अगर कहीं भी डाउट अगर आ गया होगा तो पर भी पूछना है कि क्यों नहीं आया, उसमें नहीं आया, इसलिए आपके जिम्मे हम इस कॉन्सेप्ट सेकेंड वाला इक्वेशन में आपको रख के बनाना है। चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपका जो भी डाउट है और भी क्लियर हो जाएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। लेकिन इस क्वेश्चन में जो भी हम लोग करेंगे तो बाय ऑप्शन ही हम लोग सोल्व करेंगे, क्योंकि आपको बाय प्रोसेस हम बता दिए हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड। इस क्वेश्चन को आप देखिए बहुत ही आसानी तरीका से आप बना सकते हैं, जैसे बोले कि बाय ऑप्शन इसको बनाना है उसी तरीका से बनाना है, तो बहुत बड़ा प्रोसेस लॉन्ग प्रोसेस में आप चले, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी बनाइए तो कैसे बनाइए, बाय ऑप्शन। लेकिन एक बार क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं हम लोग, जिस तरीका से बोलता है उस तरह से हम लोग सबसे पहले इक्वेशन ले लेंगे। एक नाविक धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी, तो धारा की दिशा में वही तो 24 दे दिया है, तो धारा की दिशा में तो एक्स प्लस क्या कीजिएगा वाई, एवं धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर दूरी, प्लस कर दीजिए धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करने में 5 घंटे का समय लेता है, तो ले लेना है 5 घंटे। एक भी एक इक्वेशन में अगर आप रख के अगर वैल्यू पुट करके बनाइएगा तो पर भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन दोनों में भी आप कर सकते हैं, एक में भी कर दीजिएगा वही आएगा। आगे देखिए, तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी, तो 36 ले लीजिए धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई, एवं धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर, तो धारा के विपरीत यानी एक्स माइनस वाई कितना घंटा का समय लगता है 7 घंटा का समय लगता है। आसानी से दोनों इक्वेशन है, बाई ऑप्शन आप बनाइए, तो बाई ऑप्शन बनाइएगा तो 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, और 12 में से अगर डिवाइड कीजिएगा 24 में तो कितना चलेगा यहाँ 2। यहाँ देखिए अगर यहाँ हम लोग देखते हैं तो 10 इसमें से कितना माइनस आप कर दीजिएगा 2, तो जब 2 माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 30, और 30/8 कितना चलाया 8, ठीक है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन लेते हैं तो अब कैंसिल आउट तो होगा नहीं, आना चाहिए था 5 लेकिन होगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो हम लोग का होगा नहीं, ठीक है, समझ गए होंगे। अब इसी तरह से आगे ऑप्शन हम लोग चलते हैं के नंबर में, तो दूसरा नंबर बी नंबर ऑप्शन हम लोग अब देखेंगे। तो यहाँ दिया 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, तो सेम कंडीशन हो जाएगा 12 यानी कि 2 बार में कैंसिल हो गया 2 चलाया। यहाँ देखिए यहाँ अगर कितना है 30 है, और 11 में से 1 अगर माइनस कर दीजिएगा कितना चलाएगा 10, तो इससे इसको कैंसिल, तो कितना चलाएगा 3 और 2 5 घंटा, यानी हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी हो ही जाएगा, आप कन्फर्म समझिए। लेकिन चलिए हम लोग समझने के लिए इस बार हम लोग सेकेंड ऑप्शन में भी रख के इसको चेक कर लेते हैं। तो इसमें भी अगर आप रखिए तो वैल्यू रखिए तो 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, ठीक है, तो प्लस में है तो 12 तक कितना घंटा कैंसिल कर दीजिएगा 3। इसी तरह से 11 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा आपका, बचेगा कितना 10, तो 10 में अगर डिवाइड कीजिएगा 40 में तो कितना चलाएगा 10 में डिवाइड तो 4, तो 4 और 3 कितना घंटा चलाया 7, दोनों तरफ LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, आंसर हम लोग के क्या होगा जब भी होगा तो क्या होगा बी ही होगा। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप बारीकी से समझ गए होंगे। आज का एक टाइप कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि अब बड़ा क्वेश्चन है, एक ही टाइप के क्वेश्चन हम डेली कर रहे हैं, क्योंकि लॉन्ग वीडियो तो आप लोग बड़ा बड़ा वीडियो देखना चाहते नहीं, ठीक है, अगर लंबा वीडियो देखना अगर चाहते हैं तो उसके भी बारे में कमेंट करके बताएं। बहुत लोग करें, एक दो लोग करते हैं, इसीलिए नहीं करते उतना मेहनत करते हैं, सिर्फ एक लोग ही देखते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कल हम लोग वीडियो को देखेंगे।